नमस्कार, उत्तराखंड का न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों से बिना रुके बरसात हो रही है। हालात ये है कि प्रदेश भर में हाल बेहाल है, वहीं मैदान से लेकर पहाड़ों तक के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है, जबकि प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए आए लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। बारिश के कारण कई बार यात्रा को रोकना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए अलर्ट रहने को कहा है। देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड में भी पिछले 48 घंटों से लगातार बरसात हो रही है। स्थिति यह है कि प्रदेश भर में बरसात के चलते नदियां उफान पर हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देश दे दिए हैं। जिला अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वह हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। नहीं, बारिश को लेकर लगातार हमने सभी विभागों को, जिला अधिकारियों को, सबको अलर्ट मोड में रहने के पहले से ही निर्देश हैं और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसटीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुलकर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। और जो भी, चूंकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की। इसके साथ ही देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने भी प्रदेश के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जिले शामिल हैं। 11 तारीख को जो एक्टिविटी और बढ़ेगी पूरे प्रदेश में, जो है हैवी से वेरी हैवी रेन्स तो ज्यादातर जगहों में, जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, कहीं कहीं पर वो मिलेगी हैवी से वेरी हैवी रेन। और इसके साथ जो कुमाऊं के, अगर मैं बात करूं, जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें की जो है नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर है, तो उसमें वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी, बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा जो है उसकी संभावना कल वहां पर है। वहीं सीएम के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग सहित एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी अलर्ट मोड पर है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिव रंजीत सिंह का कहना है कि बारिश के कारण पूरे प्रदेश में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नजर बनाए हुए है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए वह तैयार हैं। इसके साथ ही सचिव ने चार धाम यात्रियों से मौसम के हालातों को देखते हुए यात्रा न करने की सलाह दी है। देखिए, एक तो सबसे पहले हम अलर्ट भी जारी करते हैं, भारी बारिश की संभावना है, रोड ब्लॉक्स की संभावना है, तो हम रोकते भी हैं लोगों को, जगह जगह हम लोग उसको, यात्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं। और उसमें सीएम साहब भी अनुरोध करते हैं कि अभी यात्रा में ना आए, बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन जो भी यात्रा कर रहे हैं वो किसी खतरे से ना गुजरें, उसके लिए हम पूरी व्यवस्था हमारी रहती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने जैसे ही प्रदेश भर में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है, उसके बाद कई जिलों के लिए जिलाधिकारियों ने 1 से लेकर 12 तक के बच्चों की स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। प्रदेश में भारी बारिश के चलते गंगा भी उफान पर है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर सामान्य से ऊपर बना हुआ है। उधर टिहरी डैम में भी लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में क्या बारिश से कोई राहत मिलेगी या नहीं। इसके साथ ही देहरादून शहर में भी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण कई सड़कें और चौक चौराहे तालाब जैसे नजर आ रहे हैं। आईएसबीटी पर सर्विस लेन नाले में तब्दील हो गया है। सीएम धामी ने आईएसबीटी क्षेत्र का औचक निरीक्षण करने वो पहुंचे, वहीं उन्होंने आसपास के प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। इस दौरान डीएम सोनिका ने उन्हें नुकसान के बारे में जानकारी दी। हालात को लेकर सीएम ने कहा है कि कुछ जगह पर फ्लाईओवर के नीचे निकासी की समस्या है और मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जल्द ही इसको ठीक भी किया जाएगा। सभी विभाग के लोगों से आपस में समन्वय बनाए रखने के लिए कहा गया है। मैं तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से अपील करता हूं कि मौसम की ठीक जानकारी लेने के बाद अपनी यात्रा तय करें।
मलारी हाईवे पर जुम्मा के समीप पुल बहने के बाद जहां सीमा पर आवाजाही बता दें आपको कि मलारी हाईवे पर जुम्मा के समीप पुल बहने के बाद जहां सीमा पर आवाजाही थम गई है तो वहीं बीआरओ के द्वारा जुम्मा नाले पर वैकल्पिक मार्ग को तैयार करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। जुम्मा नाले में पुल के बहने से सीमांत घाटी का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। यहाँ पर करीब एक दर्जन गाँव है। ग्रामीण अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास पर सीमांत गाँव में रहते हैं। भाजपा के सभी प्रदेश अध्यक्षों को बीते दिनों भाजपा हाईकमान ने दिल्ली में एक बैठक ली। बैठक को लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी लगातार उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर समीक्षा करती रहती है और इसी को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक भी की गई है। वहीं भाजपा संगठन द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह सभी उत्तराखंड में बहुत ही प्रभावी ढंग से संपन्न हुए हैं। साथ ही आने वाले समय में भाजपा के कई बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, इसमें उत्तराखंड की भी अहम भूमिका रहेगी। कार्यक्रम के बाद हर अभियान के बाद पार्टी समीक्षा करती है। समीक्षा का वृत्त हमारे सामने रखा गया और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर सारे कार्यक्रम बड़े प्रभावी रूप से हमारे इस पूरे अपने महासंपर्क जनसंपर्क अभियान के हुए। अभी पार्टी के कार्यक्रम की रचना अब पंचायत स्तर तक जाएगी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर तो पंचायत चुनाव हुआ ही था, हमारे यहाँ भले ही 4 वर्ष से ज़्यादा समय पंचायत चुनाव का हो गया है, लेकिन पंचायतों के जनप्रतिनिधि ये भी क्षेत्र के विकास के मुख्य पक्ष होते हैं, इसलिए उनको भी पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य को लेकर हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी दिल्ली के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का बड़ा सम्मेलन दिल्ली में होगा। हमारा दिल्ली के द्वारा हमारा हरियाणा में होने वाला है, उत्तराखंड जो हमारा जोन है उसका हरियाणा में बड़ा कार्यक्रम हो। नैनीताल के रामनगर में पिछले कई दिनों से जारी बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन करते हुए इस मामले में विद्युत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं ज्ञापन के दौरान कटौती को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा है कि बिजली की अघोषित कटौती से जहां एक और धान कटाई को लेकर किसानों के आगे संकट उत्पन्न हो रहा है तो वहीं बच्चों के स्कूलों की भी पढ़ाई में व्यवधान के साथ ही उमस भरी गर्मी में आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान केवल धर्म जाति के नाम पर या तो लोगों को बांटना है या लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर मजारों को तोड़कर अतिक्रमण के नाम पर जनता का उत्पीड़न करना रह गया है। उन्होंने कहा कि आज सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में भी पूरी तरह से नाकाम रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता के द्वारा निर्माण कार्यों के अंदर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया। वहीं इस मामले में अधिशासी अभियंता ने कहा है कि विद्युत कटौती को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। देश भर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ 12 जुलाई को धरना देने जा रही है। धरने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौन होकर धरना देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक भाषण दिया और उनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया गया और उनकी सदस्यता खत्म करवा दी गई। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ मौन रहकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो भी मुखर नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं या प्रश्न उठाते हैं, उनको किसी ना किसी मामले में फंसाया जा रहा है। ऐसा मुकदमा जो दूसरे राज्य में घटना घटित होती है एक चुनावी रैली के द्वारा, उसका मुकदमा गुजरात में डाला जाता है और मुकदमा करने वाला व्यक्ति एक बार मुकदमे को वापस भी ले लेता है। दोबारा से उसको जब राहुल गांधी 20,000 करोड़ की बात संसद में उठाते हैं और अडानी और
मोदी के संबंधों की बात उठाते हैं तो उस मामले को दोबारा जीवित किया जाता है और उसमें जो सर्वाधिक सजा दी जा सकती है वो सजा देके, 2 साल की सजा देके उनकी सदस्यता को भी छीना जाता है, उनका मकान खाली कराया जाता है। प्रदेश में हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर आई है जिसके तहत अब अतिक्रमण करने वालों पर प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार को अतिक्रमण के मुद्दे पर घेरता नजर आ रहा है, लगातार आरोप लगा रही है कि आपको बता दें कि खुद भाजपा के ही नेता प्रदेश भर में अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश जोशी ने कहा है कि विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करती है लेकिन मुख्यमंत्री जो अध्यादेश लेकर आए हैं उसकी मंशा साफ है। देखिए विपक्ष जो है हर विषय पर, हर मुद्दे पर राजनीति करना है। जो अतिक्रमण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यादेश लाए हैं उसके पीछे की जो मंशा है वो बहुत साफ और स्पष्ट ये है कि सरकारी जमीनों के अंदर जिन लोगों ने गलत तरीके से उन जमीनों को आबाद किया है या सरकारी संपत्ति पे एक तरह से कब्जा किया है। की बात करते हैं, देहरादून में भारी बारिश के चलते इन दिनों डेंगू का खतरा सताने लगा है जिसको लेकर शासन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में अब तक 30 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को डेंगू अपनी चपेट में डाले, इसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर कहा है कि प्रत्येक बच्चे अपने पूरे शरीर को ढककर ही स्कूल जाएं ताकि डेंगू से बचा जा सके। हमारी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्कूली बच्चों को सुरक्षित, सभी बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके और तभी संभव है ये जब माता पिता अपने बच्चों से ये पालन करवाएं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि डेंगू के खतरे को कम किया जा सके। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले रपटे उफान पर हैं। बता दें आपको, एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि जल पुलिस, एसडीआरएफ और सभी थाना चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही लोगों से नदी और नहरों के किनारे जाकर सेल्फी खींचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी चार गलिया मार्ग पर भी हल्द्वानी रामनगर मार्ग में अचानक आने वाले रपटों पर दोनों तरफ पुलिस तैनात की गई है ताकि लोग अनावश्यक जान जोखिम में डालकर रपटों को पार न करें। साथ ही सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से भी पुलिस लोगों को रेड अलर्ट के चलते नदियों के किनारे न जाने की अपील कर रही है। मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोगों द्वारा जो है लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में आपदा के उपकरण को पहले ही दुरुस्त किया जा चुका है। आपदा से संबंधित जो कर्मचारी हैं और जो ट्रेंड कर्मचारी हैं उनको हर थाने में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जेसीबी चालकों के नंबर पुलिस के पास हैं। जगह जगह जो जेसीबी तैनात हैं उसमें आपदा कंट्रोल रूम के साथ पुलिस का समन्वय बहुत अच्छा चल रहा है। कांवड़ यात्रा सीजन के दौरान हरिद्वार आने वाले कांवड़ यात्रियों का मस्तूरी का मुंह नहीं छूट रहा है। लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल के साथ चार पहिया वाहनों और ट्रकों पर सवार होकर तेज ध्वनि में लाउडस्पीकर पर भजन बजा रहे हैं और मस्तूरी की ओर रुक कर रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा पर्यटन नगरी में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मस्तूरी देहरादून मार्ग पर कोठा गेट और कोलूखेता के पास बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कांवड़ यात्रियों को मसूरी आने से रोका जा रहा है। विगत वर्षों में मसूरी में कांवड़ यात्रियों द्वारा हुड़दंग किए जाने के बाद से ही प्रशासन ने मसूरी में प्रवेश वर्जित कर दिया। उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री आने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री मसूरी पहुंच रहे हैं। मंसूरी तो मंसूरी देहरादून से मंसूरी जाना था हमें, मंसूरी के बाद हमें गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा करनी थी हमें। वहाँ से जल भर के फिर हमें ऋषिकेश जाना था, ऋषिकेश से नीलकंठ जाना था, नीलकंठ से हमें हरिद्वार से हरिद्वार से जल भर के दिल्ली। कांवड़ यात्रियों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की टीम भी सक्रिय हो गई है। इसी के चलते रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की संयुक्त टीम ने शहर में डेयरी दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान मौके से खाद्य सुरक्षा के साथ ही साथ खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच मौके पर मोबाइल वैन द्वारा लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर गणेश चंद्र
कंडवाल ने बताया है कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं रुड़की क्षेत्र में सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ यात्रा के डिस्ट्रिक्ट खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश पर ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे जो DO सीनियर FSOs और FDA विजिलेंस, और हम ज्वाइंटली कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारे पास में जो है इस बार मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कठहत जी भी साथ में हैं। और इस पूरे ड्राइव के अंदर जो एक नई चीज़ की गई है, एक तो मौके पर जो है हम फूड सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं, और जितने भी फूड सैंपल्स जो है अगर जहाँ जिन पर हमें डाउट हो रहा है, जो सस्पेक्टेड हैं, तो एविडेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट किया जा रहा है कि उन पर्टिकुलर चीज़ को कमोडिटी को ट्रेस करते हुए उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो हम जांच के लिए भेजेंगे। और पूरे अभियान में कांवड़ क्षेत्र में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं, उनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है, और ख़ासतौर से जो है जो आम उपभोक्ता हैं उनको भी जो है मिलावट के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे जो मिलावट की पहचान कर सके। देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र इलाके में पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान चल रहे युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारने की साजिश रची, जिसके लिए आरोपी ने काशीपुर से एक तमंचा भी खरीदा। बता दें आपको कि लेकिन घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने आरोपी को मौके से अरेस्ट कर लिया। दरअसल मोहम्मद हसीन UP के बरेली का रहने वाला है और देहरादून में पिछले 6 साल से रह रहा है, जो कि प्लम्बर का काम करता है। बता दें कि आरोपी की 5 साल पहले शादी हुई, जिसका 2 साल का बेटा भी है, लेकिन पत्नी के अवैध संबंध से परेशान युवक ने पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की साजिश रच डाली। गैंग के यही लोग हैं और ये हैबिचुअल जो है आपके जो है चोर नकबजन है। एक दूसरी घटना एक और घटना हमारे यहाँ होने वाली थी, डबल मर्डर होने वाला था, जिसमें कि एक मोहम्मद हसीन है, जो आपका नेहरू कॉलोनी में हरिपुर नवादा में रह रहा था। तो इसकी धर्मपत्नी का और एक किसी युवक के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी बात को लेकर के इसने दोनों का मर्डर करने का ठाना था। और इसने कल ही 315 बोर का जो है एक तमंचा और 2 कार्टेज भी लिया था और कल ये मर्डर करने वाला था, लेकिन हमको सूचना जब मिली कि ये कुछ तनातनी चल रहा है, ये व्यक्ति किसी खास प्रयोजन से घर से निकला हुआ है, तो उसका हमने ट्रैक किया। उसको ट्रैक करने पर जो है उससे जब हमने उसको अरेस्ट किया, तो उससे एक तमंचा 2 कार्टेज बरामद हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं पौड़ी में भी जमकर बारिश हो रही है, जिससे कि नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा 11 जुलाई को जनपद पौड़ी में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि वर्तमान में जनपद के समस्त क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा को दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों में भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है, इससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिसके दृष्टिगत जनपद के कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों को 11 जुलाई एक दिन का अवकाश घोषित किया जाता है। जनपद में जो कंटिन्यूसली बारिश हो रही है उसके क्रम में हमारी आपदा प्रबंधन की जो तैयारियां हैं वो हम लोगों ने बना रखी, और साथ ही इसी क्रम में जो शैक्षिक संस्थान हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनको भी हम लोग सतर्कता के दृष्टिगत दिनांक 11/7 या 11 जुलाई को हम लोग उसे अवकाश घोषित कर रहे हैं। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में देर रात हरिद्वार से बाइक से गंगा जल लेने जा रहे रुद्रपुर के कावड़िए की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पीछे बाइक पर बैठा उसका साथी घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया, तो वहीं आरोपी ट्रक चालक को ट्रक समेत हिरासत में ले लिया गया। राजधानी देहरादून में ऋषि प्रणा सभागार में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें करीब 101 शिकायतें आई। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें बिजली, पानी और बरसात के चलते जलभराव जैसी कई शिकायतें सामने आई है, जिसके निवारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है और तत्काल कार्रवाई को अमल में लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि आम जनता को कोई भी समस्या न हो।
तकरीबन 101 शिकायतें हमारे पास आई हैं, और क्योंकि बरसात का सीजन है तो घरों में पानी जाना या कोई आपदा से रिलेटेड इश्यूज आए हैं आज ज़्यादा, और उसके अलावा स्कूल शिक्षा और बिजली पानी सबकी शिकायतें हमारे पास हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।